Tajikistan is deploying thousands of reserve soldiers to protect its border with Afghanistan, where the Taliban has been fast capturing more territory. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लैंड लाइफ में आपको खुश आमदीद। जी हाँ दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। कुछ दिन पहले इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की और इस पर हमला किया, जिसके बाद से ईरान ने इसराइल पर हमलों की बौछार कर दी। ईरान का तरीका भी ये है कि वो अपने मुल्क से हमला आवर नहीं होता, बल्कि दूसरे मुल्कों की सरजमीन इस्तेमाल करता है। जैसे कि ईरान ने शाम की सरजमीन से इसराइल पर राकेटों का शदीद हमला कर दिया है। ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब ने इसराइल को घेर लिया है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान ने शाम से इसराइल पर भरपूर हमला कर दिया है, जिसमें 10 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। दोस्तों, अब ईरान चुप रहने वाला नहीं है और न ही ईरान अब खामोश तमाशाई बनेगा, बल्कि इसराइल के हर हमले का मुँह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि इसराइल ने कुछ अरसा की जंगबंदी के बाद गजा पर फिर हमला किया है। ईरान और हमास के मुजाहिदीन खामोशी के साथ वक्त का इंतजार करते रहे और आज इनको मौका मिला तो इन्होंने शाम से इसराइल पर भरपूर हमला कर दिया है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नफ्ताली के आने के बाद इसराइल की कार्रवाइयों में इजाफा हो चुका है। नफ्ताली बेनेट एक कट्टर यहूदी घराने से ताल्लुक रखता है, जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने फलस्तीन में कयामत सुगरा का मंजर पेश कर दिया है। इसराइली फौज फलस्तीन में आखिरी पत्ता खेलने का भी बकायदा ऐलान कर चुकी है। दोस्तों, नई इसराइली हुकूमत की जानिब से फलस्तीन में एक ऐसा बड़ा इकदाम उठाया गया है जो कि गुज़श्ता हुकूमत में भी नहीं किया गया था। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक इसराइल ने फलस्तीनियों को बेघर करने का सिलसिला और तेज कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ तारीख के सबसे बड़े जुल्म का मनसूबा बनाया जा रहा है। दोस्तों, नफ्ताली के ऐलान के मुताबिक मस्जिद अक्सा में सलवान के मकाम पर फलस्तीन के रिहायशियों के 150 फ्लाइट तोड़ने का और उन्हें बेघर करने का हुक्म जारी कर दिया है। इन मुसलमान खानदानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ये घर गैर कानूनी है और इन्हें हम किसी भी वक्त गिरा देंगे। ये बड़ी साजिश है फलस्तीनियों को बेघर और उनका कत्लेआम करने की, जिस पर हमास के मुजाहिदीन और ईरान ने इसराइल पर इससे भी बड़ा मिसाइल हमला करने का ऐलान कर रखा है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक Afghan President Ashraf Ghani has said that the Taliban cannot make the Afghan government surrender. अफगानिस्तान में भारत अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी परेशान हो गया है, क्योंकि तालिबान ने हरात में भारतीय फंड से बने डैम पर कब्जा कर लिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने काबुल में अपने सफारतखाने के अलावा बाकी सारे स्टाफ को वापस बुला लिया है, जबकि 1 लाख के करीब भारतीय फौज अपना सारा कीमती साजो सामान छोड़ कर तालिबान के खौफ से वापस भारत पहुँच चुकी है। याद रहे कि अमेरिका भी तालिबान और मुजाहिद दिन के खौफ से रात गए इनखला कर गया, जबकि तालिबान ने सबसे कीमती इलाका वुहान पर भी कब्जा कर लिया है। वुहान की आबादी 20 से 25 हजार के करीब है, लेकिन माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर जो मादनियात पाई जाती हैं, वो बहुत कीमती हैं, तकरीबन 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब इनकी वैल्यू बनती है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।